लाइव तस्वीर में देख सकते हैं कि डेलीगेशन G20 की डेलीगेशन फाइनली आखिरकार पोलो वे मार्केट के अंदर आपको लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि G20 की डेलीगेशन के जो मेंबर्स है, डेलीगेट्स है, इस मार्केट में वो विजिट करेंगे। इसकी बात ऑलरेडी चर्चों में थी क्योंकि ये वो मार्केट है जिसके बारे में ऑलरेडी जो फेमस फॉरन मार्केट को, फॉरन टूरिज्म को लेकर है, और ये मार्केट अगर देखा जाए खसूसी तौर पर इसी चीज के लिए तैयार किया गया था कि जब भी ये डेलीगेशन यहाँ आएगी इस मार्केट में विजिट करेगी। और चर्चा इसी के लिए हो रही थी कि इस मार्केट की अगर बात करें, ये बड़ा फेमस है फॉरेन टूरिज्म को लेके, क्योंकि 90 से पहले से भी इस मार्केट की अगर बात करें, इसकी वापस्थिति या रिलेशन की अगर बात करें, पहले ही फॉरेन टूरिज्म के साथ है, क्योंकि जब भी कश्मीर के अंदर कोई भी टूरिस्ट आता था, फॉरेन टूरिस्ट, तो डेफिनेटली इस मार्केट में विजिट होकर चला जाता था। और आज चूंकि आखिरी दिन है G20 डेलीगेशन का, और आखिरी दिन आज इस मार्केट के अंदर जो है, यहाँ पर लाइव तस्वीर में देख सकते हैं, लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि G20 डेलीगेशन फाइनली आखिरकार G20 इस पोलो वे मार्केट के अंदर पहुंच के, फेमस पोलो वे मार्केट जो हम आपको यहां से लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनका वेलकम किया जा रहा है लगातार। कोशिश ये है कि इस मार्केट को फिर से उसी तरीके से प्रमोट किया जाए फॉरेन टूरिज्म के लिए, जिस चीज के लिए ये मार्केट जाना जाता था या जिस चीज के लिए इस मार्केट की पहचान थी। और फाइनली एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। G20 डेलीगेशन आखिरी दिन आज कश्मीर के अंदर 22 से शुरू हुई थी और आज 24 है, और लाइव तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि फाइनली इस मार्केट को चुना गया था कि शायद ये फॉरेन डेलीगेशन यहां पर शॉपिंग के लिए आएंगे। और बिल्कुल आपको ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं पोलो वे मार्केट से। इस मार्केट को 4-5 महीने लगे तैयार करने में, और आज फाइनली जो है वो मार्केट तैयार हुआ, और वो डेलीगेट जो है इस मार्केट के अंदर पहुंचे और वहां पे जो है शॉपिंग करने के लिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको द वॉइस ऑफ कश्मीर के माध्यम से दिखा रहे हैं। लगातार आखिरी दिन है आज, डे 3, और इसके बाद जो है ये 3 दिन का दौरा जो है खत्म होगा। वाजा रहे 20 मेंबर्स की, 20 रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर्स जो है यूरोपियन या फॉरेन कंट्रीज के, वो यहाँ पे आए हैं और लगातार कश्मीर के टूरिज्म को बढ़ावा देने की या हाइप देने की जो है बात की गई, और खुसूसी तौर पर फॉरेन टूरिज्म कश्मीर के अंदर प्रमोट हो, फॉरेन टूरिज्म जो है कश्मीर के अंदर फिर से एक मरतबा नजर आए जिस तरीके से वो नजर आते थे। और आज आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप कश्मीर से देख रहे हैं, और पूरे ये फुल इनको एकोमोडेट करते हुए ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर भी जो लगातार इस डेलीगेशन का हिस्सा बने, और जितनी भी कश्मीर के अंदर जितने भी ऑफिसर्स थे वो भी, और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के हवाले से लगातार इस जगह को पिछले 5 दिनों से सैनिटाइज किया जा रहा था स्पेशल सिक्योरिटी विंग्स की जानिब से। अब क्योंकि आज आखिरी दिन है इस डेलीगेशन का कश्मीर के अंदर, और ये पोलो वे मार्केट से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सारे डेलीगेट इस फेमस वर्ल्ड फेमस पोलो वे मार्केट के अंदर पहुंच गए, और आपको ये लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, दुबई से कश्मीर की जानिब से हम आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि फॉरेन डेलीगेट्स जो है फाइनली आखिरकार इस जगह पर पहुंच गए इस मार्केट के अंदर, जिसको रिनोवेट अंडर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर किया गया, और 5 महीने से भी ज्यादा वक्त इस मार्केट को बनाने में लगा। और खसूसी तौर पर अगर देखा जाए, स्मार्ट सिटी का भी फोकस ये था कि G20 डेलीगेशन से पहले ऐसे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जाए जिसकी वजह से कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि वो फॉरेन डेलीगेट्स जो है उन जगहों पर विजिट करें, और उनमें से इस प्लेस को भी खसूसी तौर पर चुना गया था इस मार्केट को, क्योंकि इस मार्केट की पहचान अगर देखा जाए फॉरेन टूरिज्म के इस मार्केट की अगर बात करें, इसकी वाबस्तगी पिछले 80-90 सालों से फॉरेन टूरिज्म के साथ है, और 90 के बाद की सिचुएशन जो कश्मीर के अंदर बदली और फॉरेन टूरिज्म जो है कश्मीर के अंदर कम नजर आया। और कोशिश अब ये है कि ये जो फॉरेन डेलीगेट्स कश्मीर आए हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं से फिर से एक मरतबा मौका मिलेगा उस फॉरेन टूरिज्म को प्रमोट करने का, और फॉरेनर्स जो है कश्मीर के अंदर फिर से नजर आएंगे। बराह रास्त लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप द वॉइस ऑफ कश्मीर के माध्यम से देख रहे हैं। Thank you.
तो मैं कैमरे को बात जी सर लाइव तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये वो फॉरेन डेलीगेट्स की टीम है, ये जो फॉरेन डेलीगेशन है जिन्होंने आज आखिरी दिन पोलोव्यू के अंदर विजिट किया और पोलोव्यू मार्केट के अंदर आपको तो मैं कैमरे को बात जी सर है किस तरीके से जो डेलीगेट्स हैं इधर आए और इस वक्त में अगर आप देख सकते हैं कि ये इस मार्केट की रौनक जिसे मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं कि फॉरेन टूरिज्म के साथ ही थी और कहीं ना कहीं से ये मार्केट जो है अगर देखा जाए ये वो मार्केट है और उम्मीद करते थे कि इस मार्केट के अंदर इनका विजिट ज़रूर होगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, फॉरेन डेलीगेशन जो G20 की डेलीगेशन है इस वक्त वर्ल्ड फेमस पोलो के मार्केट के अंदर मौजूद है और अभी आपको बताने चले कि ये इस मार्केट के अंदर खसूसी तौर पर शॉपिंग से आए थे और अभी फिलहाल आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा I think it's Emma Fassman.